सो गाइज हम लोग निकल चुके हैं एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन की तरफ। और गाइज ये लोकेशन कोई मामूली जगह नहीं है, बहुत साल से हम यहाँ जाने की कोशिश कर रहे थे पर भगवान ने बुलावा आज दिया है। तो गाइज जहाँ पे हम आए हैं कुछ इस तरीके का लाइन लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मम्मी ने भी जल लिया और ये देखिए हमारे दर्शन हो गए भूतनाथ के। यस गाइज, सो गाइज अब आप वीडियो से समझ ही गए होंगे कि हम आए थे भूत। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अंजलीज फूड एंड ट्रैवल वर्ल्ड। तो गाइज अभी बहुत ज़्यादा अच्छे लोकेशन पे हम जा रहे हैं, भूतनाथ जा रहे हैं और वो भी सावन के इस पावन महीने में। हम लोग मंदिर पहुँच जाएंगे तो मैं और मम्मी जा रहे हैं और अभी जस्ट पास में ही है आगे मंदिर। तो चलिए आपको दिखाते हैं भूतनाथ मंदिर, हम लोग काफ़ी सालों बाद जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। सो गाइज भूतनाथ तक तो शायद गाड़ी उस तरफ उतनी आगे तक नहीं जाती, तो हम लोग ये देखिए टोटो वगैरह जा रहा था, हम लोग गाड़ी से अभी उतर गए और अभी हम लोग चल रहे हैं। और हम लोग बस ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो, इसलिए हम लोगों ने ये वाला टाइम चुना। 4:30 से 5 बजे अगर आप जाते हो ना गाइस, तो आपको काफ़ी ज़्यादा कम क्राउड देखने को मिलेगा कंपैरेटिवली। अगर आप इवनिंग में जाओ या मॉर्निंग में जाओ तो बहुत ज़्यादा लाइन लगी रहती है। अभी भी आई होप हमें लाइन मिलेगी ही, कम मिलेगी सुबह और इवनिंग की कंपैरिजन में, बट लाइन तो होगा, दैट इज़ डेफिनेटली श्योर। तो गाइस मुझे बहुत साल हो गए, मैं बाहर से हमेशा दर्शन कर ली थी, कभी भी भगवान जी ने अंदर मुझे बुलावा नहीं दिया था। और भूतनाथ एक ऐसी जगह है जब भगवान शिव शंकर आपको बुलावा देते हैं तभी आप पहुँच पाते हो। अभी हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, आप देख सकते हो। अभी हम लोग यहाँ से गंगा जल भरने के लिए जो छोटे छोटे बॉटल्स मिलते हैं ना प्लास्टिक के, वो हम लेने वाले हैं, क्योंकि गंगा जल जब वापस आ जाएंगे दर्शन हो जाएंगे तो हम लोग ये भर लेंगे। जा रहे हैं मंदिर के दर्शन करने। ये देखो मम्मी अभी ये ले रही है गंगा जल भरने के लिए। तो चलिए गाइस आपको भी दर्शन करवाते हैं आज। तो गाइस मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा कि छोटी सी बच्ची इतनी ज़्यादा स्मार्ट है, कितने अच्छे से ये अपना प्रोडक्ट जो भी यहाँ पे डिस्प्ले पे लगा हुआ था इसने, हमने अच्छे से इसने मम से बार्गेन किया और फिर इसने हमें ये बॉक्सेस ये जो भी है ये प्लास्टिक के जो बॉटल्स सेल किया, बहुत ही अच्छे से वो कर रही थी, पूरा अपना दुकान संभाल रही थी। इसके मम्मी पापा होंगे आसपास तो फिलहाल वही दुकान को संभाल रही थी। ऐसे आपको छोटे छोटे बच्चे दिख जाएंगे यहाँ पे ऑलमोस्ट हर स्टॉल में। तो अभी हम लोग यहाँ पे आए डाला लेने के लिए, जहाँ पे हम लोग ये पानी लेंगे, दूध और फ्लावर और सारे जो फूल हैं और पेड़ा है ये सारी चीज़ें अभी हम लेंगे। और ये जल हम लोगों ने ले लिया, इसमें देख सकते हैं आप सनफ्लावर भी लगा हुआ था और सारे भभूत वगैरह भी उन्होंने हमें दे दिया और ये मम्मी ने डाला पकड़ लिया। अभी हम जा रहे हैं धीरे धीरे करके, मंदिर एकदम सामने है, बहुत सारे आपको दोनों साइड में स्टॉल्स मिल जाएंगे जहाँ से आप भगवान जी के लिए ये सारी चीज़ें फूल और पानी जल चढ़ाने के लिए आप ले सकते हो। तो अभी राइट साइड में मंदिर है भूतनाथ का, अभी हम लोग अंदर घुसते हैं और आपको दिखाते हैं नज़ारा कैसा है। तो गाइज अभी हम लोग धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ गए, अभी हम मंदिर में जा रहे हैं। कितना बड़ा मंदिर है मुझे तो मतलब याद ही नहीं, मुझे लगता है कि मैंने हमेशा से बाहर से ही दर्शन किए, मैंने कभी भी मैं भूतनाथ मंदिर के अंदर शायद नहीं गई हूँ या गई भी होंगी छोटे में तो ठीक से कुछ याद नहीं आ रहा। मेरे लिए पूरा नया एक एक्सपीरियंस और फीलिंग था। और ये देखिए यहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, बट एक चीज़ अच्छा था कि लाइन बहुत जल्दी जल्दी मूव कर रहा था, क्योंकि नहीं तो काफ़ी ज़्यादा क्राउड इकट्ठा हो जाएगा, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी लाइन मूव भी कर रहा था। हम लोग काफ़ी जल्दी आ गए और ये हम लोग अंदर आ चुके हैं और बहुत अच्छे से बहुत मन से हमारा दर्शन हो गया और दर्शन रहा पूरी तरह से सफल, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से गाइस हमारा दर्शन हो गया। और अभी हम लोग मंदिर से निकल रहे हैं और ये एक छोटी सी बच्ची थी जो टीका लगाती है सिर पे, और ये देखिए शिव जी का जो त्रिशूल वाला शेप होता है ना वही ये बच्चे लोग लगा देते आपको टीका, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और आपको यहाँ पर बहुत बच्चे दिख जाएंगे, सबको अलग अलग काम कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देखो कितना क्राउड है, अभी बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई थी जब हम लोग मंदिर के अंदर लाइन लगाए हुए थे, बाहर निकले तो देखिए काफ़ी कम हो गया। और ये देखिए शंकर भगवान, पार्वती जी, कार्तिक भगवान और गणेश जी और नंदी भगवान, इतना खूबसूरत इनका स्टैचू मूर्ति आपको देखने को मिलेगा। और ये देखिए गाइस आप जब भी आओ ना, अभी तो आप कुछ भी भीड़ नहीं देख रहे हो, जैसे जैसे इवनिंग होता जाएगा भीड़ हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। और यहाँ पर एक और अपोजिट में मंदिर था, वहाँ पर अभी हम आ गए और यहाँ पे भी आपको दुर्गा माँ की इतनी खूबसूरत प्रतिमा देखने को मिल जाती है। फिर गाइस मैं वहाँ से अच्छे से
अब देख सकते हो बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था, हम लोग पानी में भीग भी गए और एकदम मन से अच्छे से दर्शन हो गया, देख सकते हो हमारे माथा में। और यहाँ पे अभी हम लोग जस्ट निकले हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी था, बारिश हो गया थैंकफुली, बट पूरा बारिश में भीग गए ऑलमोस्ट। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल के अब घर जाएंगे, तो दर्शन अनएक्सपेक्टेडली कुछ ज़्यादा ही अच्छे से हुआ, इतना अच्छा तो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि दर्शन होगा। कैसा रहा? बहुत अच्छा, इतना शांति मिला कि आज लग रहा है पहली बार इतना अच्छा से शंकर भगवान को देख पाए, न ठेला मैंने कोई धक्का मुक्की नहीं हुआ और अच्छा से दर्शन। लाइन भी था फिर भी हम लाइन था, लेकिन हाँ डिसिप्लिन से सब लाइन था, कोई ऐसा नहीं है कि हमको पहले करना है पहले करना है। बहुत अच्छा से दर्शन हुआ और क्या बोले, लग रहा बरसों बाद ऐसा दर्शन हुआ। तो गाइस अच्छा हुआ सावन के टाइम पे इस तरह का दर्शन कर पाना, और वो भी इतना कम, मतलब क्राउड था लेकिन अच्छे से सब कुछ हो गया, तो ये एक बहुत ही बड़ा ब्लेसिंग है, गॉड का ही विश था कि हम यहाँ पे आए इतने साल बाद। तो चलिए अगर अभी गाइस अभी घर चलते हैं, आपको मिलते हैं फिर और देखते हैं, हम लोगों को कुछ राखी भी खरीदना है, तो राखी खरीदते हुए आपको दिखाऊंगी क्या क्या राखी खरीद है। तो गाइज़ वहाँ से निकलते वक्त हम लोग श्याम बाज़ार की तरफ आ गए थे, हमें कुछ राखी हमारी कम पड़ गई थी तो इसलिए राखी लेने के लिए आ गए थे, और जो हमें सामने दुकान मिला हमने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया और हम लोगों ने राखी खरीद ली, क्योंकि राम मंदिर जाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, बारिश भी हो रही थी, क्राउड भी बहुत ज़्यादा था और जस्ट राखी के दो दिन पहले, इसलिए हम लोग यहीं पर आकर हम लोगों ने कुछ कुछ अच्छी राखी हमें मिल गई और हमने ले लिया। अचानक से बारिश स्टार्ट हो रहा था फिर बंद हो रहा था, हम और मम्मी ऑलमोस्ट पूरा भीग चुके थे, तो हम लोगों ने जो हमें राखी मिली सामने, हम लोगों ने ज़्यादा दिमाग नहीं लगा के बिना टाइम वेस्ट किए राखी लिया, और जाम लग जा रहा था पूरे रास्ते में, देखो गाइस पूरा गाड़ी कचाकच भरी हुई है, तो हमने सोचा कि चलो राखी लेके अब घर चलते इससे पहले और ज़्यादा तेज़ बारिश हो। तो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बहुत जल्दी मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन, एंड बी सेफ एंड हर हर महादेव। सावन के पावन महीने शिव जी हम सबको सेफ हैप्पी और खुश रखे और हेल्दी रखे, थैंक यू।